आज तक डिजिटल ब्रेकिंग, सोने चांदी के भाव में भारी गिरावट दर्ज की गई। इस दौरान चीन के सेंट्रल बैंक ने 32 टन सोने की खरीदारी की थी। अब ताजा रिपोर्ट बताती है कि चीन के सेंट्रल बैंक की तरफ से दिसंबर में भी बड़ी खरीद की गई है। दिसंबर में उसकी खरीद 30 टन रही है, यानी सिर्फ दो महीने में सेंट्रल बैंक ने चीन के 62 टन सोना अपने रिजर्व में रख लिया है। आज तक डिजिटल ब्रेकिंग में इस वक्त की बड़ी खबर, सोने की कीमतों का टूटा 28 महीनों का रिकॉर्ड। घरेलू मार्केट में गोल्ड के दामों में भारी उछाल देखा गया है। अगर आप भी सस्ते में सोना खरीदना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देख ले। भारत में जहां सोना सातवें आसमान पर पहुंच चुका है, तो वहीं आप 50,000 रुपए तक सस्ती कीमतों में सोना खरीद सकते हो। सोने और चांदी की कीमतों की बात करें तो भारत में लगातार दिनों दिन सोना तेजी से बढ़ते जा रहा है, लेकिन दुनिया भर में सस्ते सोने की बात आती है तो सबसे पहले दुबई का ही नाम आता है, क्योंकि वहां पर सस्ती कीमतों पर सोना मिलता है। ऐसे में बड़ी अच्छी खबर यह है कि दुबई में सोने के दाम में काफी अच्छी गिरावट देखने को मिली। हाल ही में बड़ी खबर आई है जिसमें सोने के भाव काफी कम हो चुके हैं। अगर आप दुबई से सोना खरीदते हो तो आपको 100 ग्राम सोने पर 50 से 60 हजार रुपए तक का बड़ा फायदा मिलता है।